डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट इन पाइथन, या अगर हम बात करें कि ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है और इसमें अगर हम बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो देखो, बबल सॉर्ट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके पास अनसॉर्टेड एरे दिया हुआ है, अनसॉर्टेड एरे में जब फर्स्ट पास कंप्लीट करते हैं, मतलब एक बार जब हम पूरे स्कैन कर लेते हैं, तो जो सबसे बिगेस्ट एलिमेंट होता है, जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होता है, वो अपने राइट मोस्ट, मतलब सही जगह पे पहुंच जाता है, बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे, और फिर पहला पास कंप्लीट हो जाता है। और फिर जब दूसरा पास, मतलब एक बार फिर स्कैन करते हैं, तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो अपनी सही जगह पे पहुंच जाता है, राइट मोस्ट से एक पहली पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके एलिमेंट जो है वो सॉर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर देखो, ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट में क्यों लेके आया हूं, बड़ा सिंपल सा तरीका आपको बताता हूं। यहां पे मैंने एक एरे लिया हुआ है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर एरे तो ऑलरेडी सॉर्टेड ही है, तो क्यों लिया है एक्चुअल में? देखो, ऑलरेडी अगर सॉर्टेड एरे है तो क्या मेरा एल्गोरिदम उस चीज को समझ पा रहा है, या ऐसा तो नहीं कि वो उस केस में भी जो है वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है जो वर्स्ट केस में बिहेव करता है? तो देखो, ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट में यही सबसे बड़ी एडवांटेज है। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, डेफिनेशन। यहां पे मैंने जो बबल नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है और ये मैंने एरे वन उसके अंदर पास कर दिया। ये मेरा एरे वन है, ये मैंने उसके अंदर क्या कर दिया, पास कर दिया। अब देखो, यहां पे लेंथ ऑफ द एरे वन, एरे वन की लेंथ देख लो, 1 2 3 4, तो एन की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमारे, 4 है, तो एन की वैल्यू क्या होगी मेरी, 4 हो गई, लेंथ हो गया। देन फॉर आई, ये मेरा आउटर लूप है, आउटर लूप कहता है फॉर आई इन रेंज एन, आई की जो है वो मेरा 0 से लेके, देखो मैंने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी तो बाई डिफॉल्ट आई जो है वो 0 से चलेगा, लेकिन एंड वैल्यू मैंने क्या दी, एन, एन की वैल्यू क्या है, 4, लेकिन हमें पता है कि रेंज से एक कम चलता है, तो यानी 4 से एक का मतलब 3, यानी आपका आई जो है वो यहां तक चलेगा, ठीक है, लास्ट तक। देन स्वैप, यहां पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया स्वैप और उसकी वैल्यू क्या दे दी, इनिशियली फॉल्स, कुछ नहीं है, एक वेरिएबल ले लिया मैंने स्वैप, मैं जस्ट ये चेक कर रहा हूं कि क्या स्वैप हो रहे हैं या नहीं, तो इनिशियली कोई भी स्वैप नहीं हो रहा, तो मैंने उसकी वैल्यू फॉल्स ले ली। अब आते हैं जी इनर लूप पे, अंदर वाले लूप पे आओ, फॉर जे इन रेंज 0 से लेके, जे जो है वो मेरा 0 से, मतलब जे यहां से स्टार्ट होगा, जहां से आई हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जे की एंड वैल्यू ध्यान से देखो, एन माइनस आई माइनस वन, एन की वैल्यू यहां पे क्या है, 4, 4 माइनस आई की वैल्यू भी क्या है, 0, माइनस 1, तो ये करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 3, लेकिन आपको पता है कि अगर मैंने यहां पे वैल्यू 3 दी है तो रेंज से एक कम, जो एंड वैल्यू होती है उससे एक कम, मतलब 2 तक चलेगा, तो जे आपका यहां तक चलेगा, ये जे का एंड पॉइंट है, ये आई का एंड पॉइंट है। अब आते हैं जी अंदर, अंदर आते हैं एरे वन ऑफ जे, जे देखो किसको पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, 10 को पॉइंट कर रहा है, 10 ग्रेटर देन जे प्लस 1, जे अगर मेरा 0 है तो जे प्लस 1 ऑब्वियसली ये हुआ 20, और वैसे भी बबल सॉर्ट पता है कैसे वर्क करता है, इस तरीके से ना, आप ऐसे मान लो कि दो विंडोज है, ये इस तरीके से एक विंडो है, एक विंडो में दो इस तरीके से आपके पास चीजें हैं, और ये दो जो आपके इस तरीके से नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट इस तरीके से मूव करता है, मतलब दो स्पेस है एक विंडो में, और ये एक स्पेस में 10 आ गया, एक में 20 आ गया, कंपेयर किया, अगर तो बड़ा है ये वाला एलिमेंट, अगर बड़ा है तो स्वैप कर देगा, अदरवाइज आगे मूव करेगा, बड़ा है तो स्वैप कर देगा, अदरवाइज आगे मूव, इस तरीके से आगे मूव करता जाएगा। तो देखो, 10 ग्रेटर देन 20, सबसे पहले 10 क्या ट्रू है, नहीं है, तो यानी मूव कर जाएगा, आगे मूव करेगा, जे की वैल्यू कहां पे मूव करेगी, जे आपका 1 पे चला जाएगा, तो ऑब्वियसली जे प्लस 1 उससे आगे चला जाएगा, मतलब आपकी विंडो यहां पे मूव करेगी। तो देखो, क्या 20 ग्रेटर देन 30 है, नहीं है, तो दोबारा जे आगे मूव करके, जे की वैल्यू 2 होगी, तो जे प्लस 1 ऑब्वियसली यहां हो गया, वही जैसे मैंने बताया कि अगर ग्रेटर है तो ठीक है स्वैप कर दो, अदरवाइज आगे, नहीं है आगे, नहीं है आगे, इस तरीके से आगे आगे मूव करते जाओ। तो देखो नेक्स्ट क्या आया, 30 ग्रेटर देन 40, क्या 30 ग्रेटर देन 40 है, नहीं, तो देख लो जी आपका जे जो है वो यहीं तक चलना था, तो जे आपका खत्म हो गया, यहां पे आपका पहला इनर लूप जो है वो पूरी स्कैन आपकी होगी। तो अगर आप कंपेयर देखो, टोटल मेरे एलिमेंट्स कितने थे, 4 एलिमेंट से, लेकिन आपने कंपैरिजन कितने किए, 1 कंपैरिजन, 2 कंपैरिजन, 3 कंपैरिजन, तो 4 टोटल वैल्यूज थी, मतलब अगर एन वैल्यूज थी तो आपके कंपैरिजन कितने हुए, एन माइनस 1 कंपैरिजन हुए, लेकिन स्वैप कितने हुए, देख लो कहीं पे भी स्वैप हुआ, नहीं हुआ, तो स्वैप जो है वो ट्रू होगा,
अरे कैसे ट्रू होगा, ये वाली वैल्यू तो अभी तक चली नहीं है, क्योंकि ये पोजीशन जब ट्रू होगी तभी तो अंदर आएगा, ट्रू अभी तक हुई नहीं है क्योंकि ये एलिमेंट हमेशा क्या है, छोटा है। तो क्योंकि मैंने सॉर्टेड एरे लिए जानबूझ के, तो यानी ये चलेगा नहीं। तो अब देखो ध्यान से, इफ नॉट स्वैप, इसका मतलब पता क्या है, स्वैप की वैल्यू देखो, स्वैप्ड की वैल्यू क्या है, फॉल्स। इफ नॉट, फॉल्स के आगे अगर आप नॉट लगा देते हो तो क्या बन जाता है, ये ट्रू, और ये क्या हो गया, इफ ट्रू। इफ ट्रू मतलब ऑब्वियसली ट्रू हो गया वैल्यू, जैसे इफ ट्रू हो गया अंदर जाएगा, अंदर क्या हो गया, ब्रेक। ब्रेक मतलब लूप से बाहर आ जाओ, खत्म, लूप से बाहर आ गए, खत्म हो गया। अब दोबारा से फिर वो आई की वैल्यू नेक्स्ट के लिए मूव करेगा, लेकिन आपका जो है वो यहीं पे ब्रेक हो गया। तो यहां पे आप एक तरह से कह सकते हो कि आपका एक भी स्वैप नहीं हुआ, नंबर ऑफ स्वैप कितने हुए आपके, जीरो, लेकिन कंपैरिजन कितने हुए, एन माइनस वन। तो इस केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि एन माइनस वन, एक तरह से अगर एन की वैल्यू इनफाइनाइट ले लो तो इनफाइनाइट में से एक कम करोगे तब भी इनफाइनाइट ही हुआ ना, तो एक तरह से ऑर्डर ऑफ एन टाइम बच गया। तो ये आपका जो है वो क्या है, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन केस ऑफ बबल सॉर्ट। अगर मेरा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नोट कर लो, और ये क्यों आई, बिकॉज ऑफ कंपैरिजन, नॉट बिकॉज ऑफ स्वैप। तो ये आपका बेस्ट केस। फिर हम करते हैं अब वर्स्ट केस, लेट्स टेक द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वर्स्ट केस में देखो मैंने यहां पर क्या किया, वर्स्ट केस में मैंने आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में एरे ले लिया, अनसॉर्टेड एरे लिया लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये इसका क्या है, वर्स्ट केस। जैसे बेस्ट केस में हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया था ऑलरेडी सॉर्टेड, इसमें हमने उल्टा ले लिया, तो यहां पे वर्स्ट केस में देखो ये कैसे बिहेव करेगा। फिर भाई लेंथ ऑफ द एरे, एन की वैल्यू यहां पे क्या है, इनिशियली वही 4 है। आई इन रेंज, आई जो है वो मेरा यहां से स्टार्ट करेगा और आपका यहां तक चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो एन माइनस वन, एन की वैल्यू क्या है, 4, 4 माइनस वन 3, सॉरी आई जो है वो मेरा लास्ट तक चलता है, और जो मेरा स्वैप की वैल्यू यहां पे फॉल्स। अब ये वाला फंडा तो ऑब्वियसली हमने जानबूझ के वर्स्ट लिया है, तो स्वैप की वैल्यू आप अगर करना चाहते हो यहां पे कर लो, लेट्स से फॉल्स है। जे 0 से लेके, जे जो है वो आपका यहां से स्टार्ट होगा 0 से, और कहां तक चलेगा, एन माइनस 4 माइनस 0 माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 करोगे तो 3, यानी आपका 2 तक चलेगा जे, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट जैसा पहले किया। अब आ जाते हैं यहां पे, इफ एरे ऑफ जे, यहां पे वही सेम दोनों J और J प्लस 1, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर किया तो क्या 40 ग्रेटर देन 30 है, ट्रू, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, तो अब अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो क्या कर दिया, स्वैप कर दिया, J और J प्लस 1 की वैल्यू को स्वैप कर दिया। तो स्वैप कर दोगे तो यहां पे क्या आ गया 30, यहां पे आ गया 40, 20 और 10 आपके एज इट इज, ठीक है। तो ये एक कंपेरिजन हुआ और एक स्वैप भी हो गया, एक कंपेरिजन एक स्वैप। अब मेरा जे जो है वो ऑब्वियसली इंक्रीमेंट होकर यहां पर पहुंच गया। अब देखो जी स्वैप की वैल्यू ट्रू हो गई, स्वैप की वैल्यू ट्रू हो गई। अब देखो इस केस में वही हो गया ना, वर्स्ट केस है, तो इस केस में बेस्ट में तो यहां पे स्वैप आपका फॉल्स का फॉल्स ही रह जाता था और फिर आउट ऑफ द लूप चले जाते थे, लेकिन यहां पे ट्रू हो गया, तो यानी इस केस में तो ऑप्टिमाइज, मतलब एक तरह से आपका कहीं ना कहीं एक स्वैप तो हो ही गया। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट, नेक्स्ट फिर वही जे और जे प्लस 1 को कंपेयर करो, 40 ग्रेटर देन 20, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, तो फिर अंदर गया, क्या कर दो जी स्वैप कर दो, स्वैप कर दिया मतलब इन दोनों को स्वैप कर दिया, 30 एज इट इज, 20 इधर आ गया जी, 40 इधर आ गया, 10 इधर आ गया, यानी दो स्वैप हो गए अब तक और दो आपके कंपैरिजन हो गए, दो स्वैप हो गए, ठीक है। फिर आ जाते हैं जी दोबारा, फिर यहां पे ऊपर गए, ऊपर गए तो फिर मेरे पास जो है वो जे कहां पे पहुंच गया, नेक्स्ट जे मेरा यहां पे पहुंच गया, और जे जो है ऑब्वियसली मेरा यहां तक ही चलता है, तो जे जे प्लस 1 40 एंड ग्रेटर देन 10, ट्रू हो गया, तो फिर इन दोनों को स्वैप कर दिया, तो 30 20 10 40, लो जी एक पास कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पास कंप्लीट हो गया, क्योंकि जे जहां तक चलता है वहां तक चल गया, और फर्स्ट पास कंप्लीट होने के बाद जो सबसे बड़ा एलिमेंट था राइट मोस्ट, अपनी सही जगह पे राइट मोस्ट पोजीशन पे पहुंच गया। अब इस केस में नंबर ऑफ कंपैरिजन देखो कितने हुए, 3, नंबर ऑफ स्वैप भी कितने हुए, 3। अब आप इसको दोबारा फिर चलाओगे, आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू यहां पे जाएगी, जे फिर दोबारा आपका यहां से, आई की वैल्यू यहां पे होगी एक तरह से, जे फिर यहां पे 30 ग्रेटर देन 20, थोड़ा सा चला के देखो 30 ग्रेटर देन 20 ऐसे ही होगा ना, फिर क्या होगा 20 इधर आ जाएगा 30, यानी एक तरह से अभी आपने एक पास चलाया था तो नंबर ऑफ कंपैरिजन 3, नंबर ऑफ स्वैप 3, फिर दोबारा से जब इसको करोगे तो नंबर ऑफ कंपैरिजन 2, नंबर ऑफ स्वैप 2। इस तरीके से आप इसको क्या एनालाइज कर सकते हो कि अगर आपके पास एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वर्स्ट केस में पहले पास में एन माइनस 1 कंपेरिजन होते हैं, एन माइनस 1 स्वैप होते हैं, दूसरे में एन माइनस 2 कंपेरिजन, ऑब्वियस
ऑब्वियसली स्वैप भी n-2, तीसरे में n-3 कंपैरिजन, n-3 स्वैप, इस तरीके से करते करते 1+2+3, ये आपकी जो है वो नेचुरल जो सीरीज आपकी बन गई सम ऑफ। अगर आप इसको निकालोगे तो ऑब्वियसली क्या आंसर आएगा आपका, n(n+1)/2, जिसको आप क्या लिख सकते हो, n स्क्वायर ही लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो यानी कंपैरिजन की भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर और अगर स्वैप की भी देखो वो भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, तो दोनों में से मैक्सिमम ऑब्वियसली जो भी उठा लो यानी वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेता है और बेस्ट केस जैसा कि मैंने पहले बताया ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेता है। तो ये वर्किंग सारी नोट कर लो, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। थैंक यू।